बक्सर मंदिरों का शहर है, समन्वय का शहर है। नाथ मंदिर, राम रेखा घाट, शैव और वैष्णव मत का अद्भुत समन्वय है। महर्षि विश्वामित्र की तपोभूमि बक्सर के प्राचीन धरती पर आप सभी का स्वागत है। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर गंगा किनारे स्थित बिहार के कुल 38 जिलों में से एक बक्सर है, जिसकी जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 102,861 है, जिसमें 52.65% पुरुष और 47.35% स्त्रियां हैं। आजादी के बाद 1951 में की गई जनगणना के अनुसार इस नगर की जनसंख्या 18,087 थी, जो अब बहुत हद तक बढ़ चुकी है। इस नगर का वर्तमान साक्षरता दर 79.77% है, जो कि राष्ट्रीय साक्षरता दर के औसत 69.50% से बहुत अधिक है। 17 मार्च 1991 को इस जिले को भोजपुर जिला से अलग मान्यता प्रदान की गई थी। यह नगर प्राचीन काल में सिद्धाश्रम, वेद गर्भपुरी, तपोवन इत्यादि नामों से जाना जाता था, लेकिन ऋषि वेदशिरा, जो कि ऋषि दुर्वासा के श्राप से बाघ के चेहरे में परिवर्तित हो गए थे, उनको इस जगह पर स्थित तालाब में स्नान के पश्चात मानव मुख की प्राप्ति हुई थी, जिससे इस नगर का नामकरण व्याघ्र सर हुआ और अंततः बक्सर नाम की उत्पत्ति इसी व्याघ्रसर शब्द से हुआ। यह नगर जिले के लाखों लोगों के लिए व्यवसाय और शिक्षा का मुख्य केंद्र है। सड़कों पर चलती हुई गाड़ियां और मुख्य सड़क के दोनों किनारे स्थित व्यवसायिक प्रतिष्ठान इस नगर की सुंदरता को बढ़ाते हैं। जिले के हजारों विद्यार्थी अपने भविष्य को संवारने के लिए जिले के प्रमुख शिक्षण संस्थानों में योग्य शिक्षकों से शिक्षा लेने के लिए प्रतिदिन यहाँ आते हैं। विद्यार्थियों की उपस्थिति से यह नगर गुलजार रहता है। यहाँ की शुद्ध घी की पापड़ी इस जिले की मुख्य मिठाई पूरे बिहार और भारत में प्रचलित है। इस नगर में गंगा किनारे का राम रेखा घाट अपनी रामायण काल से जुड़े होने का प्रमाण प्रस्तुत करता है, जहां पुराणों के अनुसार कभी हमारे आराध्य अयोध्या में जन्मे मर्यादा पुरुष श्री राम का पदचिन्ह प्राप्त हुआ था, और आज भी सैकड़ों श्रद्धालु प्रतिदिन और हजारों की संख्या में लोग विशेष स्नान के दिन इस घाट पर गंगा के निर्मल और पवित्र पानी में डुबकी लगाने के लिए आते हैं। जीवन जब मनुष्य का साथ छोड़ देती है, तो आत्मा की शांति और मोक्ष की प्राप्ति के लिए चरित्र वन शमशान घाट पर गंगा के किनारे लोग शव यात्रा लेकर आते हैं। यह प्रमाणित तथ्य है कि पूरे भारतवर्ष में हरिद्वार और वाराणसी के बाद यह बक्सर का ही शमशान घाट है, जहां चीता की आग कभी बुझती नहीं है और शव को जलाने के लिए कभी माचिस के तिल्ली का प्रयोग नहीं होता है, बल्कि दूसरी चीता से आग लेकर किसी दूसरे शव को जलाया जाता है। बिहार और झारखंड के लोग आज भी बक्सर के चरित्र वन घाट पर ही शव लाने को प्राथमिकता देते हैं, जो कि इस घाट के महत्व को प्रमाणित करता है। शहर का नौलखा मंदिर आज भी अपनी भव्यता के लिए जाना जाता है, और दिल्ली का लोटस टेम्पल लोग जैसे देखने के लिए जाते हैं, वैसे ही हमारे बक्सर के नौलखा मंदिर को लोग बिहार में महत्व देते हैं। पुराणों के अनुसार ऋषि विश्वामित्र, जो कि भगवान राम और उनके अनुज लक्ष्मण के साथ 8,000 शिष्यों को
शिक्षित किया करते थे। उनका आश्रम इसी नगर में पवित्र गंगा के किनारे स्थापित हुआ करता था। जब राक्षसी तड़का ने ऋषि विश्वामित्र के यज्ञ में विघ्न उत्पन्न किया तो भगवान राम ने उसका वध इसी जगह पर किया था और आज भी नौलखा मंदिर में तड़का वध का प्रतीक मौजूद है। इस नगर के प्राचीन महत्व को ब्रह्मांड पुराण और वराह पुराण में जिक्र किया गया है। 1703 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हमारा ये शहर पौराणिक काल से संबंध रखता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इसी नगर में गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या, जो कि पत्थर के मूर्ति में शापित हो गई थी, उसे पुनः भगवान के चरण स्पर्श मात्र से मानव शरीर प्राप्त हुआ था। यह स्थल अब अहिरौली के नाम से जाना जाता है, जो बक्सर शहर से 6 किलोमीटर दूर स्थित है। इस जिले में 2 अनुमंडल बक्सर और डुमराव हैं। डुमराव में 7 प्रखंड और बक्सर में 4 प्रखंड आते हैं। इस जिले का बक्सर के अलावे सबसे प्रमुख नगर डुमराव है, जो कि जिला मुख्यालय से लगभग 19 किलोमीटर दूर स्थित है। यह नगर परिषद डुमराव सुहागन के श्रृंगार के बक्से के सबसे बेशकीमती गहना अर्थात सिंधोरा के निर्माण के लिए वर्षों से प्रचलित है। इसी नगर डुमराव में मठिला से भी स्थापित होकर आए राजा की राजधानी स्थापित हुई थी और आज भी राजगढ़ और इस गढ़ में स्थित बिहारी जी का मंदिर पर्यटन स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। माँ डुमरेजनी का मंदिर बक्सर जिले के सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक है, जो कि डुमराव में ही स्थित है। इसी डुमराव के बिहारी जी के मंदिर में विश्व प्रसिद्ध शास्त्रार्थ आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती और पंडित दुर्गा दत्त परमहंस के बीच हुआ था, जिसमें मूर्ति पूजा के धूर विरोधी रहे दयानंद सरस्वती को पंडित दुर्गा दत्त से पराजय स्वीकार करनी पड़ी। और मूर्ति पूजा हर धर्म में किसी न किसी रूप में होता है, यह बात दुर्गा दत्त ने प्रमाणित कर उन्हें अपने तर्कों से संतुष्ट किया था। आजाद भारत के एकमात्र जीवित सांसद महाराज बहादुर कमल सिंह इसी डुमराव के अंतिम राजा थे और उनका आशीर्वाद आज भी डुमराव नगर को प्राप्त होता है। 52 गलियां 53 बाजार, दिया जले 56,000, इसी कहावत से मशहूर राजा रुद्र प्रताप सिंह द्वारा निर्मित नवरत्न किला इसी जिले के नया भोजपुर गांव में स्थित है, जिसके बारे में कहा जाता था कि यहाँ किले पर जलते हुए दिए दिल्ली में भी दिखाई देते थे। और ये भी कहा जाता था कि भोरे भोजपुर जइह मत, जइह त खइह मत और खइह त रहिह मत। ये कहावत बहुत ही प्रचलित हुआ करती थी नया भोजपुर के बारे में। आज भी यह किला खंडहर में ही तब्दील सही लेकिन मौजूद है और प्रशासनिक उदासीनता के कारण अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहा है। हाल ही में भूमि के नीचे प्राप्त कुछ कमरे ये प्रमाणित कर चुके हैं कि पुरातात्विक विभाग की खुदाई अगर यहाँ की जाती है तो यह किला अपने गर्भ में छुपे कई राज को उजागर कर सकता है। इसी जिले के मुरार गांव में संविधान सभा के प्रथम अस्थाई अध्यक्ष डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा का जन्म हुआ था। ये वही धनी व्यक्तित्व हैं जो बिहार के प्रथम व्यक्ति बने जो विदेश में जाके बैरिस्टरी की पढ़ाई करी। इनका योगदान आज भी पटना में सिन्हा लाइब्रेरी और विधानसभा की भूमि के रूप में जीवित है। इस जिले की मुख्य फसलें चावल, गेहूं, चना इत्यादि और सब्जियों की खेती है। बक्सर स्टेशन से लगभग 100 से अधिक ट्रेनें हावड़ा दिल्ली मेन लाइन से प्रतिदिन गुजरती है और लगभग 25,000 यात्रियों का आवागमन इस स्टेशन से प्रतिदिन होता है। यह नगर बिहार की राजधानी पटना से लगभग 130 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। इसी जिले में बाबा ब्रह्मेश्वर की नगरी ब्रह्मपुर में बाबा ब्रह्मेश्वरनाथ का मंदिर एक धाम के रूप में पूरे बिहार में प्रचलित है और सावन के प्रत्येक सोमवार को लाखों की संख्या में
भक्त शिवलिंग पर गंगाजल अर्पित करने के लिए बक्सर से ब्रह्मपुर की पदयात्रा करते हैं। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि जब अंग्रेजों ने इस मंदिर को तोड़कर नष्ट करने की कोशिश की तो भगवान शिव ने स्वतः मंदिर के मुख को पूरब दिशा से मोड़कर पश्चिम की ओर कर दिया था और आज भी इस मंदिर में पवित्र मन से शिवलिंग के दर्शन करने से भक्तों के जीवन की हर मनोकामना पूरी हो जाती है। यदि इस नगर के इतिहास की चर्चा की जाए तो 1774 में इसी जगह बक्सर जिले में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मीर कासिम के साथ बंगाल अवध के नवाब तथा मुगल शासक शाह आलम के संयुक्त सेना के बीच युद्ध लड़ा गया था। कटौली में स्थित पत्थर का स्मारक आज भी उस युद्ध की याद दिलाता है। मुगल काल के दौरान हुमायूं और शेर शाह के बीच ऐतिहासिक युद्ध इसी जिले के चौसा में 1539 में लड़ा गया था, जिसमें हुमायूं को रणभूमि से भागकर अपनी जान बचानी पड़ी थी और शेर शाह को उस युद्ध में विजय घोषित किया गया था। गंगा के बहती हुई जलधारा की तरह यह नगर अपने यहाँ रहने वाले हर धर्म और जाति के लोगों का सम्मान करता है और मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा, हर धार्मिक स्थल और हर धर्म मत को साथ लेकर यह नगर आगे बढ़ता है। लोगों का आपसी भाईचारा और मोहब्बत ही इस नगर की वास्तविक शक्ति है और ये शक्ति और भी बढ़े इसके लिए जिले से निर्वाचित जनप्रतिनिधि बिना किसी भेदभाव के लोगों के विकास के लिए कार्य करें, यही इस नगर के लोगों की अपेक्षाएं हैं। तो यदि आप हमारे जिले से नहीं हैं और आप हमारे इस नगर का भ्रमण करना चाहते हैं तो स्वागत है आपका महर्षि विश्वामित्र के नगर बक्सर में। आप आइए और धार्मिक विरासत के साथ साथ राजाओं की विरासत को देखें। आपके हर एक अपेक्षा पर यह नगर खरा उतरेगा। यहाँ स्थित आधुनिक विलासिता से पूर्ण होटल और रेस्टोरेंट आपकी सेवा में तत्पर होगा और हमारे जिले के लोगों की भोजपुरी की मिठास और आदर से भरी हुई भाषा आपको अपनेपन की अनुभूति कराएगा।